हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक हॉरर साईफाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है एज द गॉड्स विल। फिल्म की शुरुआत में तीन स्टूडेंट्स शन, अमाया और इचिका को एक आवाज के रूप में दिखाया गया है जो भगवान से कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ और डॉल दोनों बोरिंग है। अगले सीन में हम देखते हैं शन और उसके दोस्तों को जो कि कॉलेज के क्लासरूम में है, जहां डरुमा डॉल नाम की एक डॉल ने स्टूडेंट्स को एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया हुआ है। डॉल बहुत ही बदसूरत दिखता है जिसका सिर्फ सिर है। ये डॉल टेबल पर है जो पीछे घूमकर गाना गाता है। गाने को बीच में रोककर ये डॉल सामने की तरफ घूमता है और कोई भी स्टूडेंट हिलता हुआ दिख गया तो वो उसको मार देता है और उसको लाल रंग के कंचों में बदल देता है। याद रखें, ये फिल्म स्क्वाड गेम के पहले आई थी, इसलिए इन बच्चों को खेलने के नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं और बचे हुए स्टूडेंट्स टेंशन में होते हैं क्योंकि डॉल एक एक करके उनके दोस्तों को मार रहा है और अब काफी कम स्टूडेंट्स बचे हैं। दो लड़के भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा लॉक है। वे हिलते हुए पकड़े जाते हैं और डॉल उन्हें मार देता है। अचानक एक गेमर बॉय जो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलता है सभी को डॉल के पीछे मैसेज पढ़ने के लिए कहता है। मैसेज में लिखा था कि अगर बटन दबाते हैं तो खेल खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जल्दी से बटन दबाने के लिए दौड़ता है लेकिन डॉल घूम जाता है और उसे भी मार देता है। अचानक शन नोटिस करता है कि डॉल के पीछे एक टाइमर भी है और ये महसूस करता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर अन्य स्टूडेंट्स इसे बंद करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन उनमें से हर एक फेल हो जाता है। लास्ट में केवल शन और गेमर बॉय बचे हुए होते हैं क्योंकि अन्य सभी स्टूडेंट्स रेड मार्बल्स में बदल जाते हैं और फ्लोर पर हर जगह मार्बल्स ही होते हैं जिससे उनके लिए डॉल तक पहुंचना असंभव हो जाता है। समय खत्म हो रहा था और गेमर बॉय शन को एक आइडिया बताता है। वो शन को उसकी पीठ पर चढ़कर डेड बॉडीज के ऊपर से जंप करके बटन को प्रेस करने को कहता है। इस आइडिया से शन बटन प्रेस करता है और इस प्रकार खेल समाप्त हो जाता है। शन और गेमर बॉय जश्न मना रहे थे कि तभी डॉल कहता है कि सिर्फ शन ही इस खेल का एकमात्र विनर है और गेमर को मार देता है। फिल्म तब पास्ट में जाती है जब शन की लाइफ बोरिंग और नॉर्मल थी। वो सोफे पर बैठा हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है और खेल समाप्त होने के बाद चैनल बदल रहा है। स्कूल में वो अपने गेमर फ्रेंड के साथ चल रहा है जो सजेशन देता है कि शन इचिका को डेट के लिए पूछे क्योंकि इचिका उसे देखकर स्माइल पास करती है। इचिका स्कूल में एक और स्टूडेंट है जो वीडियो गेम खेलना पसंद करती है। शन जवाब देता है कि उसे इचिका के लिए कोई फीलिंग नहीं है और उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखता है। दोनों क्लास की ओर जाते हैं जब वो एक लड़के से मिलते हैं जिसे अमाया पीट रहा था। अमाया स्कूल का शैतान स्टूडेंट है। क्लास के अंदर शन सो जाता है और एक तेज आवाज उसे जगाती है। तभी उसके टीचर का सिर फट जाता है और डेरुमा डॉल दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत में होने वाली घटना यहां से कंटिन्यू होती है। प्रेजेंट में शन भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि वो उसे अपने बोरिंग जीवन में लौटा दे। डेरुमा डॉल शन को एक चूहा कहती है और उसे बताती है कि बहुत जल्दी उसके लिए एक बिल्ली आ रही है। इस बीच इचिका शन की क्लास के पास पहुंचती है और उसकी हालत देखकर भयभीत हो जाती है। शन उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कहती है कि वो भी उतनी ही कंफ्यूज्ड है जितना कि शन। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। फिर वे स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी एग्जिट और दरवाजे लॉक हैं। फिर दोनों घटना स्थल से बास्केटबॉल कोर्ट की ओर भागते हैं जहां वे कुछ स्टूडेंट्स को चूहों की कॉस्ट्यूम में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सब बच्चे डेरुमा डॉल से बच गए थे। वे फर्श पर देखते हैं जिस पर लिखा है बिल्ली की घंटी में फिट हो जाओ गेम को समाप्त करने के लिए। फिर स्कूल प्रेसिडेंट उन्हें चूहों की कॉस्ट्यूम पहनने का आदेश देता है। तभी कोर्ट का फ्लोर खुलता है और एक विशाल प्लास्टिक की बिल्ली फ्लोर के नीचे से ऊपर की ओर आती है। बड़ी बिल्ली जो एक एक करके स्टूडेंट्स को खाना शुरू कर देती है। शन एक बॉल देखता है जो बेल जैसी दिखती है और उस पर टाइमर भी है। वो जल्दी से सभी को बताता है कि खेल को खत्म करने के लिए घंटी को बिल्ली की गर्दन पर लगी बास्केट के बीच में से पास करना होगा। स्टूडेंट्स में से एक लड़का जो अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी है घंटी को बास्केट की ओर फेंकता है लेकिन बिल्ली घंटी को पकड़ लेती है और वापस उसी स्टूडेंट पर फेंक देती है जिससे स्टूडेंट की मौत हो जाती है। शन जल्दी से नोटिस करता है कि बिल्ली केवल उन लोगों को मार रही है जो चूहों की पोशाक पहने हुए हैं। फिर वो सभी को उस पोशाक को हटाने को कहता है जिसका हर कोई पालन करता है। थोड़ी देर के लिए बिल्ली बैठी रहती है लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स जश्न मनाते हैं बिल्ली एक और स्टूडेंट को खा जाती है। स्टूडेंट्स फिर से चीखना और दौड़ना शुरू कर देते हैं और इस बीच में इचिका फर्श पर गिर जाती है। शन तुरंत माउस कॉस्ट्यूम में आ जाता है और बिल्ली को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि कॉस्ट्यूम पहनकर कोई भी इस समय बिल्ली की आवाज सुन सकता है। बेचारी बिल्ली बस उनसे अपनी पीठ खुजलाने की रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो चुपचाप सो सके। जल्दी से शन बिल्ली की पीठ पर बैठ जाता है और उसे खरोंचना शुरू कर देता है।
फिर वो दूसरे लड़कों को भी अपने साथ जुड़ने को कहता है और बिल्ली आखिरकार सो जाती है। अब बिल्ली सो रही है तो शन घंटी को पकड़कर बास्केट पर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अन्य स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि केवल वही विनर होगा जो स्कोर कर पाएगा। वे सभी एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। उन सभी के झगड़े से बिल्ली फिर जाग जाती है और स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देती है। शन फिर से एक योजना बनाता है, एक बार फिर इचिका को अंदर ले जाता है और एक नॉर्मल बास्केटबॉल में घंटी छुपाता है बिल्ली को धोखा देने के लिए। वे गेंद फेंकते हैं और जश्न मनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बॉल रिंग पर बाउंस होती है और बाहर गिरने ही वाली होती है। तभी अचानक अमाया सही समय पर आता है और घंटी को बास्केट में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। बिल्ली तब घोषणा करती है कि केवल शन और इचिका और अमाया ही जीवित रह सकते हैं। शन हारे हुए लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे आंसर मिलने से पहले अमाया बचे हुए स्टूडेंट्स को मार देता है। अमाया फिर कहता है कि जो सबसे स्ट्रांग है सिर्फ वही जीवित रहेंगे और यही भगवान की इच्छा है। अमाया शन के पास जाता है और उसे बताता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उनके पास वो है जो जीतने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर इचिका असहमत है और कहती है कि शन अमाया की तुलना में अधिक काइंड, स्ट्रांग और होशियार है। ये सुनकर अमाया गुस्सा हो जाता है और इचिका पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली अपने मुंह से एक गैस निकालती है और उन सभी को बेहोश कर देती है। अगले सीन में एक न्यूज चैनल आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है और एक आतंकवादी हमले के रूप में रिपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। एक अन्य न्यूज रिपोर्ट में बड़े क्यूब्स को शहरों के ऊपर मंडराते हुए दिखाते हैं। विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी तक क्यूब में कोई एंट्रेंस नहीं मिलता है। मीडिया ये भी बताता है कि घटना से बचे लोग भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि वे ऐसी कठिन स्थिति से बचने में सक्षम हैं। कुछ मीडिया और इंटरव्यूअर्स के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मानना है कि ये एलियन इन्वेजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बेघर व्यक्ति एक डैमेज रेडियो को बस टच करके ठीक कर देता है। दूसरी तरफ शन एक क्यूब में जागता है। वहाँ वो बचे हुए स्टूडेंट से मिलता है, जिनमें से एक शर्मिली और डरपोक लड़की है जिसका नाम है टियारा, और दूसरी लड़की उसके बचपन की दोस्त ताकुमी है, और एक एरोगेंट लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टाओकी को देखता है। शन निराश है क्योंकि उसको फिर से एक और गेम खेलना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक होते हैं, तो टाओकी उसे सूचित करता है कि कमरे से बचने का एकमात्र तरीका है विनर होना। वो ये भी कहता है कि उसकी बुद्धि उसे जीत की ओर ले जाएगी। एक स्क्रीन के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है कि उन्हें बचने के लिए चाबी ढूंढनी होगी, और तभी रूम में चार लड़कियों जैसी डॉल्स आती है। वे अपना परिचय देती है और खेल के नियम समझाती है। डॉल्स कहती है कि सभी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, तो डॉल्स उन्हें गाना गाते हुए घेरेंगी और जब गाना बंद हो जाएगा तब उनको अनुमान लगाना होगा 10 सेकंड के भीतर कि उन चार डॉल्स में से कौन सी डॉल उनके पीछे है। ठीक आंसर ना देने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि अगर डॉल्स में से एक डॉल हार जाती है तो वो डॉल फट जाएगी और एक आंसर की छोड़ कर जाएगी, जो दरवाजा खोल देगी और बचे हुए लोगों को अगले लेवल तक ले जा पाएंगे। कॉन्फिडेंट टाओकी पहले जाता है और टियारा दूसरे नंबर पर। दोनों जवाब देने में विफल रहते हैं और अंततः डॉल उनको मार देती है। डॉल्स फिर ताकुमी के पास जाते हैं, लेकिन शन पहले जाने पर जोर देता है। अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से वो खेल जीत जाता है, क्योंकि वो अपने फोन की मदद से उनकी आवाजों में अंतर को नोट करने में सक्षम था। फिर उसने खुलासा किया कि उसने तब आवाज रिकॉर्ड की जब टियारा खेल रही थी। गेम के बाद डॉल्स एक चाबी को पीछे छोड़ देते हैं, जो शन पकड़ लेता है, और वो ताकुमी के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। वो देखते हैं कि एक बदसूरत सी दिखने वाली डॉल एक स्टूडेंट का पीछा कर रही है। वो स्टूडेंट उनके पास आता है और उनसे अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि डॉल हाथ पकड़ने वाले को चोट नहीं पहुंचा सकती है। वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और डॉल ये कहते हुए निकल जाती है कि वो उन लोगों से जेलस है जिनकी दोस्ती मजबूत है। शन ताकुमी के गले में एक लॉकेट देखता है और फ्लैशबैक में जाता है। वहाँ ताकुमी छत से सुसाइड करने जा रही थी जब वो देखती है कि शन अपने गुस्से को दूर करने के लिए एक दीवार पर प्लेट्स और ग्लास तोड़ रहा है। फिर शन ताकुमी को भी ऐसा करने को कहता है और वो क्रॉकरी तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे उसे बेहतर महसूस होता है। अभी ताकुमी ने वही कप हैंडल पहन रखा है जो शन ने उस दिन उसे तोड़ने के लिए दिया था। वे अचानक दूसरी तरफ से एक लड़की को चिल्लाते हुए सुनते हैं। वे चिल्लाने की आवाज की ओर दौड़ते हैं और इचिका को उसी भयानक गुड़िया से भागते हुए पाते हैं, और शन तुरंत उसका हाथ पकड़ने के लिए कूदता है और उसे बचा लेता है। तभी एक दीवार फट जाती है और एक डॉल फेस दिखता है जिसमें 7 की होल्स है।
हैं। शन और उसका ग्रुप उस जगह पहुंच जाता है जहां दो और प्रतियोगी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अपनी चाबियां गिनते हैं लेकिन पाते हैं कि उनमें से तीन अभी भी गायब हैं। अचानक अमाया चाबियों के साथ आता है और अपने साथी को ही मार देता है क्योंकि उनमें से सिर्फ सात ही अगले लेवल तक जा सकते हैं। जब सभी सात तालों को अनलॉक कर दिया जाता है, डॉल का चेहरा उन्हें विजेताओं के रूप में घोषित करता है और ये दीवार के पीछे की ओर चला जाता है और एक रास्ता बना देता है। फिर एक आवाज उन्हें रास्ते पर जाने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले उनको कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़ेंगे। ये पता चलता है कि सभी खेलों को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। इसके बाद ग्रुप खुद को एक फ्रोजेन कमरे में बंद पाते हैं। बड़ा पोलर बियर वहां प्रवेश करता है और अपना परिचय देता है। वो कहता है कि वो झूठे और काले दिल वाले लोगों से नफरत करता है। खेल में सभी को बस एक काम करना है, सच बोलना। ऐसा करने में विफल होने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। खेल शुरू होता है जब सभी मेंबर से उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है और आंसर देने के बाद भालू को संदेह होता है कि कोई झूठ बोल रहा है। भालू पार्टिसिपेंट्स को झूठे इंसान को पेश करने के लिए 2 मिनट का समय देता है। पहले तो वे अपने जवाब का बचाव करते हैं लेकिन बाद में सभी उस लड़के की ओर इशारा करते हैं जिसने बैगन को अपना फेवरेट खाना कहा था और फिर भालू तुरंत उसे मौत के घाट उतार देता है। अब बैगन को फेवरेट फूड कहेगा तो मरेगा ही। दूसरे क्वेश्चन के लिए भालू पूछता है कि क्या उन सभी को शन पसंद है। जो जो शन को पहचानता है, ताकुमी भी, वो सब हाँ कहते हैं और अन्य जो जो नहीं पहचानते वो सब ना कहते हैं। भालू कहता है कि उनमें से एक उससे झूठ बोल रहा है और स्टूडेंट्स को लायर का नाम कहने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स ने ताकुमी का नाम लिया क्योंकि शन और ताकुमी लंबे समय तक संपर्क से बाहर थे। ताकुमी को बचाने के लिए शन ने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी भालू ने उसे मार दिया। वो अपने दोस्त के मरने से दुखी हो जाता है और चिल्लाता है कि उनमें से झूठा और गद्दार अगर कोई है तो वो खुद सफेद भालू है। और ये बात सच हो जाती है और भालू अपना सफेद रंग छोड़ देता है और अपने काले रंग में प्रकट होता है। सभी के झूठ पकड़े गए थे इसलिए खेल खत्म हो जाता है। बचे लोगों को अंतिम गेम में ले जाया जाता है। बाकी बचे 5 लोगों को एक मंदिर में ले जाया जाता है। दरवाजा खोलने के बाद लकड़ी की 3 डॉल्स उनका स्वागत करती है और उन्हें लास्ट गेम तक आने के लिए बधाई देती है। तीनों डॉल्स खुद को फिटनेस, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के रूप में पेश करती है। वे अंतिम गेम का नाम किक द कैन बताती है और इस गेम में एक डेमोन होगा और बाकी उसके विक्टिम्स। जब तक कि डेमोन कैन को उसकी जगह पर नहीं रखता तब तक बाकी सबको छिपने के लिए समय मिलेगा। डेमोन को फिर सभी विक्टिम्स को ढूंढना होगा और उनके चेहरे को देखकर उनका नाम लेना होगा, जिसके बाद डेमोन विक्टिम्स को जेल के अंदर कैद रख पाएगा। यदि डेमोन उन सबको कैद कर लेता है और कैन को लात मारता है तो वो विजेता होगा। हालांकि यदि कोई विक्टिम कैन को लात मारता है तो अन्य विक्टिम्स को विजेता माना जाएगा और डेमोन हार जाएगा, लेकिन जो विक्टिम को लात मारेगा वो मर जाएगा क्योंकि कैन फट जाएगा। फिर 5 पार्टिसिपेंट्स बारी बारी से छड़ी लेते हैं। लाल छड़ी से डेमोन चूज किया जाएगा। अमाया के पास लाल छड़ी होती है। वो जल्दी से कैन को जमीन पर रखता है और पार्टिसिपेंट्स की तलाश शुरू कर देता है। 2 छात्रों को अमाया जल्दी से पकड़ लेता है। इचिका अमाया को डिस्ट्रैक्ट करके खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और तब शन भाग निकलता है। इचिका को कैद करने के बाद अमाया चिल्लाता है कि उसे खेल जीतने के लिए शन को खोजने की जरूरत नहीं है और इचिका के मना करने के बावजूद शन एक आर्मर सूट पहनकर बाहर आता है जिसके साथ वो अपना चेहरा छुपा कर रखता है। फिर शन अमाया को बताता है कि उसके लिए पकड़ा जाना असंभव है क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ है। अमाया को ये बकवास लगता है और वो जल्दी से शन का हेलमेट हटा देता है। जैसे ही अमाया कैन को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है और खेल को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि शन ने उसे लोहे की जंजीर से बांध दिया है। फिर शन पानी में कूद जाता है और अमाया को अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। अमाया पानी से शन को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता है और देखता है कि शन ने आर्मर हटा दिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कैन की ओर। अचानक अमाया फ्री हो जाता है और कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कैन को लात मार पाए शन ने कैन को लात मार दी। वे विस्फोट का इंतजार करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। गेम अंत में समाप्त हो जाता है और डॉल अमाया को छोड़कर सभी को विजेता घोषित कर देती है। वे ये भी कहते हैं कि विस्फोट सिर्फ एक झूठ था खेल को और भी दिलचस्प बनाने के लिए। क्रोधित अमाया फिर डॉल्स में से एक को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मरना नहीं चाहिए क्योंकि उसे भगवान ने चुना था। डॉल हंसने लगती है और कहती है कि कोई भी मरने वाला नहीं था। तब जीत की खुशी में आसमान में आतिशबाजी होती है। डॉल्स सफलता का जश्न मनाने के लिए कुछ आइसक्रीम्स देती है। आइसक्रीम खाते समय शन इचिका से मूवी डेट के लिए पूछता है और इचिका के लिए उसकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता है। इचिका खुशी
खुशी से हाँ करती है, लेकिन जब उनकी आइसक्रीम पिघलती है तो वो स्टिक पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। डॉल तब कहती है कि इतना दूर आने के बावजूद उन्हें जीतने के लिए भाग्य की जरूरत है। शन और अमाया के स्टिक पर लिखा है कि तुम जिंदा रहोगे, और अन्य तीन में से इचिका भी है जिनकी स्टिक पर लिखा है कि तुम मर जाओगे। फिर डॉल हारे हुए लोगों को मारती है। शन डरकर देखता रहता है और इचिका हवा में गायब हो जाती है। शन और अमाया अंत में क्यूब से निकलते हैं जहां बहुत सारे लोग उनके लिए चीयर करते हैं। वे उन्हें भगवान के बच्चे कहते हैं। अमाया खुश है, लेकिन शन निराशा में झुक जाता है और कहता है कि भगवान नहीं है क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया है। ये राज खुलता है कि वो बेघर आदमी जिसने अपने टच से रेडियो ठीक कर दिया था वही भगवान होता है, और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।